परिजनों को ढांढस बंधाने वन मंत्री आए रावत, आए कराहल। घटना को लेकर सीएम से चर्चा करने की बात कही। खबर श्योपुर के कराहल थाना अंतर्गत क्षेत्र से है, जहां विगत 10 दिनों से लापता हुए युवक अनिल ओझा का मामला अब तूल पकड़ता जा रहा है। जहां एक और दिन दहाड़े शहर से लापता हुए अनिल ओझा मामले में जिले भर में चर्चाओं का बाजार गर्मा रहा है, तो वहीं दूसरी ओर अब पुलिस भी संदिग्धों से पूछताछ से लेकर जंगल तक की खोजबीन करने में पीछे नहीं हट रही है। पुलिस ने कल कई लोगों को पूछताछ के लिए कोतवाली बुलाया तो पुलिस की एक टीम जंगल में छानबीन करती रही। वहीं पुलिस श्योपुर जिले के नजदीकी शहरों के बस स्टैंड के सीसीटीवी कैमरे भी चेक करवा रही है, मगर इत्तेफाक की बात है कि इतने सारे प्रयासों के बाद भी अनिल की गुमशुदगी के रहस्य की गुत्थी सुलझाने में पुलिस के हाथ अभी भी खाली के खाली ही बने हुए हैं। अपने घेरे क्षेत्र में घटित हुई इस सनसनीखेज घटना पर सोमवार को अनिल के परिवारजनों से मिलने प्रदेश सरकार के वन मंत्री राम निवास रावत उनके कराहल स्थित निवास घर पहुंचे, जहां उन्होंने परिजनों से मिलकर घटना की संक्षिप्त जानकारी ली और परिवार को ढांढस बताया कि वे उनकी इस परेशानी में उनके साथ हैं और वे इस घटना के संबंध में मुख्यमंत्री से भी चर्चा करेंगे। वहीं मामले का जल्द से जल्द खुलासा करवाने के लिए कहेंगे। साथ ही रावत बोले कि मैं इस मामले पर अपनी निरंतर नजर बनाए रखूंगा, बहुत जल्द सब ठीक होगा। देखिए संवाददाता अमित कुमार श्रीवास्तव की रिपोर्ट। ये बच्चे ने 3-4 दिन खाना नहीं खाया था, देखो हमारे घर पे क्या हालत है। मुख्यमंत्री जी से भी बात करूंगा और जितने लोगों को बताने की आवश्यकता होगी उतने लोगों को बताएंगे, घटना के तथ्यों के आधार पर उस तरह। भाई साहब कहीं ना कहीं पुलिस की इसमें परिजन मान रहे हैं कि लापरवाही रही है कि 7-8 दिन बीत जाने के बाद भी कोई अहम सुराग हाथ नहीं लगा सकी है वो अभी तक। जब तक नहीं मिलेगा तब तक रहेगा पुलिस।